चलो इसको देख लें, सेल्फ इंडक्शन। पिछले सेशन में हमने इंडक्टर्स का देख लिया। वी हैव एन इंडक्टर सपोज लाइक दिस। रिमेंबर इंडक्टर जो है वो आइडियल सोलेनोइड हम लेते हैं एज स्टैंडर्ड इंडक्टर। इस इंडक्टर के थ्रू अगर करंट फ्लो हो रही है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय म्यू जीरो एन आई, आइडियल सोलेनोइड की अगर हम बात कर लेंगे, और ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर यूनिफॉर्म होता है सपोज इन दिस डायरेक्शन। अब अगर इस इंडक्टर में, आइडियल इंडक्टर जो है हमारे पास, उसमें आप करंट जो है वो चेंज कर लेंगे, करंट चेंज हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हुआ तो फ्लक्स लिंकेज जो इसमें होता है विच इज एन फाइव बी, सो एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और फाइव बी जो है दैट इज सिंपली बी इंटू ए। सो अगर करंट चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो तो फ्लक्स लिंकेज चेंज होगा, और फ्लक्स लिंकेज जब चेंज होगा तो हमें पता है फ्रॉम फैराडेज लॉ ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। सो अगर आप करंट को चेंज कर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स लिंकेज चेंज होगा, फ्लक्स लिंकेज चेंज होगा तो ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो जाएगा। जिस कॉइल में करंट चेंज हो रही है उसी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, उसी कॉइल का फ्लक्स लिंकेज चेंज हो रहा, उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो जिस करंट में, जिस कॉइल में, जिस इंडक्टर में करंट चेंज हो रही है उसी इंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आ रहा है, और दैट्स व्हाई वी कॉल इट सेल्फ इंडक्शन। इट इज काइंड ऑफ अ सेल्फ ड्रिवन प्रोसेस। इसी में चेंज हो रहा है इट, ये जो इट्स काइंड ऑफ इंडक्टर जो है दैट फाइट्स द चेंज ऑफ करंट थ्रू इट। रिमेंबर लेंज लॉ जो है वो आपको कहता है कि ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन सच ए वे दैट इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। यहां पर कॉज जो है वो करंट का चेंज होना कॉज है, तो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन सच ए वे कि इट अपोजेस द चेंज इन करंट। सो इंडक्टर जो है दैट फाइट्स द चेंज इन करंट। करंट को अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं, ये इंक्रीजिंग करंट को फाइट कर रहा है, ये इंक्रीज होने नहीं दे रहा है या इंक्रीज होने से रोकने की कोशिश कर रहा है। अगर करंट डिक्रीज हो रही है तो ये इंडक्टर जो इट फाइट्स दैट डिक्रीजिंग करंट, ये करंट को डिक्रीज होने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ओके, डिक्रीज होने से रोकने की कोशिश कर रहा है। सो ईएमएफ इंड्यूस होगा इसी कॉइल में। ओके, ईएमएफ इंड्यूस होगा इसी कॉइल में, और वो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो किसके बराबर होगा वो देख लेते हैं। अब फैराडेज लॉ से हमें पता है ईएमएफ इंड्यूस्ड जो है दैट इज इक्वल माइनस एन डी फाइव बी बाई डी टी। ओके, माइनस एन डी फाइव बी बाई डी टी, या वी कैन राइट इट लाइक दिस, माइनस डी बाई डी टी ऑफ एन इज ए कॉन्स्टेंट, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स वो तो चेंज नहीं होगा एन को, इसलिए आप अंदर ले सकते हैं एन टाइम्स फाइव बी। अभी एन टाइम्स फाइव बी जो है दैट्स फ्लक्स लिंकेज। ओके, दैट्स फ्लक्स लिंकेज, और ये एन टाइम्स फाइव बी अगर आपको याद हो पिछले सेशन में हमने देखा है, दिस इज इक्वल टू एल इंटू आई। एल इज द इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर एंड आई इज द करंट। ओके, आई इज द करंट। सो दिस इंप्लाइज ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू, एल को बाहर लाए, ये कॉन्स्टेंट है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। ओके, माइनस एल डी आई बाई डी टी। Okay, minus sign has to do with direction. Okay, minus sign has to do with direction. So EMF induced in an inductor is minus L di by dt. Minus L di by dt. अब ये direction जो है usually हम अलग से देखेंगे, थोड़ा सा इस minus sign की यहाँ पर बात कर लेंगे, otherwise direction हम lens law से देखा करेंगे। Direction of current जो है उसको हम positive direction कहेंगे। Okay, direction of current को positive direction कहेंगे। अगर करंट इंक्रीज हो रही है, ओके, अगर करंट इंक्रीज हो रही है तो डी आई बाई डी टी पॉजिटिव होगा, क्योंकि करंट इंक्रीज हो रही है तो डी आई बाई डी टी पॉजिटिव होगा, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव इनटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, नेगेटिव होने का मतलब होगा इट्स ए नेगेटिव डायरेक्शन। सो ईएमएफ इंड्यूस्ड जो होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में उस टाइम होगा। ओके, ये कब होगा, जब करंट जो है वो इंक्रीज हो रही है, करंट जो है वो इंक्रीज हो रही है, और अगर करंट डिक्रीज हो रही है, करंट अगर डिक्रीज हो रही है तो डी आई बाई डी टी नेगेटिव होगा, और डी आई बाई डी टी अगर नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, दैट वुड मीन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ करंट। ओके, पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये कब होगा, जब करंट जो है डिक्रीज, जब करंट डिक्रीज।
So EMF is induced opposite the direction of current. Jab current increase hogi, EMF is induced in the same direction of current as current decreases. So it's consistent with Lenz law actually. Lenz law aapko kehta hai ki EMF must be induced in such a way that it opposes the cause that produces it. Cause kya hai? Current ka change hona. Agar current increase ho rahi hai, to EMF jo induce hoga, wo increase hona, wo induce hona chahiye in such a way that it opposes the increase in current. Agar current increase, aur wo kaise ho possible hoga? Jab EMF is induced in the opposite direction to that of current. करंट अगर डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज होने से रोकने की कोशिश करनी है वो कैसे होगा जब ईएमएफ जो होगा वो इंड्यूस होगा इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द करंट ईएमएफ सेम डायरेक्शन में इंड्यूस होगा तो इंड्यूस्ड करंट भी सेम डायरेक्शन में इंड्यूस होगी सो दैट द टू करंट्स जो हैं ओरिजिनल करंट आई और इंड्यूस्ड करंट वहां पर जो है चलिए फिर से इसको देख लें अगर करंट इंक्रीज हो रही है इंक्रीज होने से रोकने की कोशिश करनी है रोकने की कोशिश मतलब इंक्रीज होने से रोकना है रोकेंगे कैसे जब ये आई और आई इंड्यूसर अपोजिट डायरेक्शन में हो ताकि सब्ट्रैक्शन आपको करना पड़े आई इंड्यूसर अपोजिट डायरेक्शन में तो ई इंड्यूसर अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए अगर करंट डिक्रीज हो रही है डिक्रीज होने से रोकने की कोशिश करनी है या वापस इंक्रीज करना है इंक्रीज कैसे होगा वापस जब आप एड कर लेंगे या इंक्रीज होने की कोशिश कब होगी जब आप ऐड कर लेंगे ऐड तब आप कर लेंगे जब ये दोनों करंट सेम डायरेक्शन में होंगे सो इंड्यूस्ड करंट मस्ट बी इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द ओरिजिनल करंट इंड्यूस्ड करंट सेम डायरेक्शन में दैट मींस इंड्यूस्ड ईएमएफ भी सेम डायरेक्शन में होना चाहिए सो व्हेन ईएमएफ व्हेन करंट इंक्रीजेस ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द ओरिजिनल करंट और जब करंट डिक्रीज होगी ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द ओरिजिनल करंट सो और किसके बराबर ईएमएफ इंड्यूस होगा माइनस एल डी आई बाई डी टी नाउ दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट विल बी कंटिन्यूअसली यूजिंग दिस थिंग ईएमएफ इंड्यूस्ड इज माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस एल डी आई बाई डी टी सो यहां पर अब हम इसको कंक्लूड करते हैं अगर आपके पास कोई इंडक्टर है कैरिंग करंट आई और ये करंट जो है वो कॉन्स्टेंट रह रही है ये करंट कॉन्स्टेंट रह रही है अगर कॉन्स्टेंट करंट है मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट है फ्लक्स कॉन्स्टेंट है कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू जीरो ओके ईएमएफ इंड्यूस्ड और अगर कोई ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं है तो कोई अपोजिशन नहीं होगी टू द फ्लो ऑफ करंट सो इंडक्टर जो इस केस में है इंडक्टर बिहेव्स एज ए कनेक्टिंग वायर दिस वन इज इंपॉर्टेंट जब भी करंट कॉन्स्टेंट होगी थ्रू द इंडक्टर इट बिहेव्स एज ए कनेक्टिंग वायर और कनेक्टिंग वायर में क्या होता है आर जीरो के बराबर होता है परफेक्ट कंडक्टर ओके आर जो है वो जीरो के बराबर है इट्स काइंड ऑफ शॉर्ट सर्किट अगर करंट जो है इसके थ्रू इंक्रीज हो रही है तो ईएमएफ हमने देखा है ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ करंट सो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड दिस वे ईएमएफ इज इंड्यूस्ड अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ करंट किसके बराबर वो भी हमने देखा है माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस एल डी आई बाई डी टी ओके सो इफ करंट इज इंक्रीजिंग ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ करंट कितना माइनस एल डी आई बाई डी टी एल इज द इंडक्टेंस एंड डी आई बाई डी टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ओके सो यहां पर यह भी नोट कर ले करंट जितना जल्दी चेंज होगी उतना यहां से ज्यादा अपोजिशन होगी करंट जितना स्लोली चेंज होगी उतना अपोजिशन कम होगी उतना इंड्यूस्ड ईएमएफ कम होगा सो जब करंट ज्यादा जल्दी चेंज हो रही है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होगा करंट स्लोली चेंज हो रही है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कम होगा करंट चेंज नहीं हो रही है तो कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा और तीसरा केस अगर करंट जो है वो डिक्रीज हो रही है करंट इज डिक्रीजिंग तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने यहां पर देखा है इज इंड्यूस्ड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द ओरिजिनल करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ और किसके बराबर वही माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस एल डी आई बाई डी टी
So induced EMF is minus L di by dt. So current increase ho rahi hai, EMF is induced in the opposite direction to that of the original current. Current decrease ho rahi hai, EMF is induced in the same direction to that of the current. Yahan par opposite direction mein taaki increasing current ko oppose kiya jaye. Yahan par same direction mein taaki decreasing current ko oppose kiya jaye. Current ko decrease hone se rokne ki koshish ho rahi hai. Yahan par current ko increase hone se rokne ki koshish ho rahi hai. Yahan par to kuch nahi ho raha hai because current is कांस्टेंट तो वो कनेक्टिंग वायर बिहेव करेगा. सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब करंट कांस्टेंट होगी इट बिहेव्स लाइक ए कनेक्टिंग वायर. ईएमएफ कुछ नहीं होगा. जब करंट इंक्रीज हो रही है ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ करंट. जब करंट डिक्रीज हो रही है ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द करंट. और किसके बराबर? माइनस एल डी आई बाई डी टी. माइनस एल डी आई बाई डी टी. ओके, माइनस एल डी आई बाई डी टी. चलिए अब इसको देख लेते हैं. आर एल सर्किट्स, सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने यहाँ पर सर्किट एक ड्रॉ किया है जिसमें हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आर, और इंडक्टर है ऑफ इंडक्टेंस एल. टू वे स्विच हमारे पास है. स्विच ऑन करने का मतलब होगा मैं ए की तरफ शिफ्ट कर लूंगा. जब मैं ए की तरफ शिफ्ट कर लूंगा तो सर्किट लूप जो है वो ये बन जाए, ये लूप बन जाएगा. और जब मैं स्विच को बी की तरफ ऑन स्विच शिफ्ट कर लूंगा दैट वुड मीन कि बैटरी इज नॉट पार्ट ऑफ द सर्किट, तो ये लूप बन जाएगा. ओके, दोनों केसेस हम अलग अलग देखते हैं. स्विच क्लोज करने, स्विच थ्रोन टू ए और स्विच थ्रोन टू बी, दोनों केस में. एक केस में करंट जो है वो इंक्रीज होगी, करंट ग्रो होगी, और दूसरे केस में स्विच ऑफ करने के केस में बी की तरफ थ्रो करने से स्विच करंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. सो विल स्टडी ग्रोथ ऑफ करंट. Growth of current in this RL circuit. Current कैसे increase होगी इसमें? अब abruptly तो increase नहीं होगी, जैसे कि आपने पीछे देखा होगा. Suppose आपके पास ये कोई circuit है, resistance R, EMF of the battery E, तो ये switch S. जब आप switch को close करते हैं current जो है that simply becomes E divided by R. All of a sudden it becomes E divided by R. Okay, all of a sudden. Although practically ये possible नहीं है, क्योंकि practically हमारे पास कोई ऐसा circuit नहीं है जिसमें inductance नहीं होगा. Inductance कुछ ना कुछ होगा, तो कुछ ना कुछ time लग जाएगा current को grow होने में. लेकिन अगर ये कोई ideal circuit है out of this world जिसमें कोई inductance नहीं है, सिर्फ resistance R है, EMF battery का EMF E के बराबर है, तो करंट जो है स्विच ऑन करने के टाइम एब्रप्टली बन जाएगी ई डिवाइडेड बाय आर, और स्विच को ऑफ करने के टाइम करंट जो है वो सीधे जीरो बन जाएगी. सो इंक्रीज भी इंस्टेंटली होगी और डिक्रीज भी इंस्टेंटली होगी. अब इंडक्टर के केस में ऐसा नहीं होगा, और प्रैक्टिकली किसी सर्किट में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली कोई सर्किट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है जिसमें कोई इंडक्टेंस जो है वो ना हो. कुछ ना कुछ इंडक्टेंस जो है वो हर किसी सर्किट में होगी. हाँ, कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, वो तो है. So, यहां पर इंडक्टेंस की प्रेजेंस के वजह से करंट जो है वो एब्रप्टली ग्रो नहीं होगी. इट विल टेक सम टाइम टू ग्रो. तो वो एग्जैक्टली कैसे ग्रो होगी वो हम देखेंगे. तो उसके लिए स्विच एस इज थ्रोन टू ए, ये इसकी तरफ, तो सर्किट जो है वो बन जाएगा, यहीं पर हम ड्रॉ कर लेते हैं. ऐसा बन जाएगा, ईएमएफ ऑफ द बैटरी ई, रेजिस्टेंस आर, इंडक्टर जो है इंडक्टेंस एल के बराबर. अब इसमें करंट जो ग्रो होगी इट विल ग्रो इन दिस डायरेक्शन. सपोज एट टाइम टी करंट इसमें आई के बराबर है. करंट सिंस ग्रो हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो होगा अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ करंट, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें पता है माइनस एल डी आई बाई डी टी के बराबर है. ओके, माइनस एल डी आई बाई डी टी के बराबर है. और इंड्यूस्ड ईएमएफ अपवर्ड, इसका सिंपली मतलब है ये साइड जो है वो नेगेटिव होगा और ये एंड जो है वो पॉजिटिव होगा. अब ऑल्दो आई डोंट लाइक दिस, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अपवर्ड माइनस एल डी आई बाई डी टी के बराबर. अब किरचॉफ्स लूप रूल यहां पर यूज करते हैं. लेट्स मूव अक्रॉस द लूप.
यहां से शुरुआत करते हैं। यहां आप थ्रू द रेजिस्टेंस मूव कर रहे हैं, किरचॉफ लूप रूल रिमेंबर, पोटेंशियल चेंजेस का सम हम करते हैं अक्रॉस द लूप और उनका अलजेब्रिक सम जीरो के बराबर होता है। सो जब आप जाएंगे अक्रॉस द रेजिस्टेंस पोटेंशियल चेंजेस बाय आईआर, ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आईआर, रिमेंबर करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इन अ रेजिस्टेंस, तो आप जा रहे हैं फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, सो पोटेंशियल चेंज जो होगा वो माइनस आईआर के बराबर, और यहां पर यू आर मूविंग अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, दैट सिंपली मींस कि यू आर गोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल जाने का मतलब होगा ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा वो आपको नेगेटिव लेना होगा, क्योंकि आप हायर टू लोअर जा रहे हैं तो चेंज इज नेगेटिव, ये हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल, सो हायर टू लोअर अगर आप जा रहे हैं तो चेंज जो है वो नेगेटिव चेंज है, तो करंट और याद रखें कि इंक्रीज हो रही है, तो डू वी नीड टू टेक दिस माइनस साइन और नॉट, डी करंट इंक्रीज हो रही है तो डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है, लेकिन रिमेंबर ईएमएफ आपको नेगेटिव लेना, तो ये माइनस साइन जो है वो वहीं पर रखना पड़ेगा ताकि टोटल में ये नेगेटिव बन जाए माइनस एल डी आई बाई डी टी। फिर जाके यहां से यू आर गोइंग थ्रू द बैटरी फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो चेंज इज पॉजिटिव, सो प्लस ई इज इक्वल टू जीरो, सो दिस मीन्स एल डी आई बाई डी टी को दूसरे साइड से लेते हैं, एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर, सो आई री राइट इट दिस वे, डी आई डिवाइडेड बाई ई माइनस आई आर को यहां नीचे लाते हैं इज इक्वल टू डी टी को ऊपर लेते हैं और एल को नीचे लाते हैं वन बाई एल। ओके, अब यहां से हमें करंट चाहिए, सो व्हाट वी विल डू इज हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन इज विद रेस्पेक्ट टू टी, सो जीरो टू टी, और जब आपने स्विच क्लोज कर दिया ए की तरफ रख दिया तो वो जीरो टाइम टू एनी टाइम टी, जीरो टाइम पे जीरो करंट होगी, स्विच क्लोज करने के टाइम तो कोई करंट ही नहीं है, कोई करंट थी नहीं, जब आप स्विच क्लोज करेंगे तो उस टाइम कोई फिर करंट ग्रो होगी, तो एग्जैक्टली उस इंस्टेंट पे करंट तो जीरो है, टाइम टी पे करंट जो है वो आपने आई ली है। ओके, नाउ इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लें, इसकी इंटीग्रेशन है लिन ऑफ ई माइनस आई आर डिवाइडेड बाई माइनस आर लिमिट जीरो टू आई। ओके, लिमिट जीरो टू आई, इंटीग्रेशन में अगर अंदर लीनियर फंक्शन है तो हम डिवीजन में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसकी तो जीरो माइनस आई आर, आई की वन के बराबर, आर ऐसे रहेगा माइनस आर इज इक्वल टू माइनस ये वन बाय एल कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज टी विद लिमिट जीरो टू टी, दिस इंप्लाइज माइनस आर को ऊपर लेते हैं और यहां पर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लें, लिन ऑफ ई माइनस आई के बदले में आई आई आर माइनस लिन ऑफ ई माइनस आई के बदले में जीरो, तो ये सारा जीरो बन जाएगा, तो माइनस लिन ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस आर ऊपर माइनस आर बाय एल इंटू ये बन जाएगा टी माइनस जीरो इज जस्ट टी, सो लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन दैट इज लॉग ऑफ एम बाय एन, सो ये बन जाएगा लिन ऑफ ई माइनस आई आर डिवाइडेड बाई ई is equal to minus r by l into t, minus r by l into t, तो इस साइड में आप देखते हैं अब लिन को दूसरे साइड से शिफ्ट करते हैं तो वो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, सो दिस इंप्लाइज ई माइनस आई आर डिवाइडेड बाय ई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आर बाय एल इनटू टी, सो दिस इंप्लाइज ई माइनस आई आर इज इक्वल टू ई टाइम्स ई टू द पावर माइनस आर बाय एल इनटू टी, सो दिस इंप्लाइज आई आर को दूसरे साइड से लेते हैं वो पॉजिटिव बन जाएगा, इसे यहां लाते हैं e और e कॉमन निकलेगा, e टाइम इज वन माइनस ई टू द पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी, सी आई आर को यहां लाया तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, इस e टू द पावर e टू द पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी को यहां लाया वो नेगेटिव बन गया और फिर e कॉमन ले लिया, सो दिस इंप्लाइज i इज इक्वल टू e डिवाइडेड बाय r
times 1 minus e to the power minus r by l into t. ये current growth. Okay, ये side में अब रब कर लेता हूं. अब इसमें R by L जो है, that is represented by tau, and tau we call as time constant. Okay, we call it time constant. और time constant के dimensions जो है, no. L by R को हम tau कहते हैं, और उसके dimensions जो है वो time के dimensions होते हैं. ओके टाइम के डोमेन पहले वही बात जरा देख लें. हमने देखा इससे पहले कि ईएमएफ इंड्यूस्ड जो है वो माइनस एल डी आई बाई डी टी है. तो यहां से आप देख सकते हैं कि एल का यूनिट जो है, एक तो हेनरी हमें पता ही है, ये वोल्ट्स, ये सेकंड, तो ऊपर सेकंड, डिवाइड बाय डी आई इज करंट, तो वो एम्पियर, नीचे एम्पियर. सो वोल्ट सेकंड डिवाइड बाय एम्पियर, और यही हेनरी है. यही हेनरी. अब इसका देख लें, टाउ का यूनिट जो होगा वो एल ऊपर या नीचे, पहले आर ओम्स, सो ओम्स. एल के बदले में मैं ये लिखूंगा वोल्ट इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाय एम्पियर. अब वोल्ट बाय एम्पियर जो है वोल्टेज बाय एम्पियर, वी बाय आई इज आर, और वो ओम्स है, तो ये कैंसिल आउट होगा, तो सेकेंड बच जाएगा. सो टाउ के डिमेंशन जो है वो टाइम के डिमेंशन है, टाइम का यूनिट है सेकेंड्स. Okay, so this is time. This is what we call as time constant. Okay, this is what we call as time constant. So, agar ye ab rewrite, we'll rewrite this. I is equal to E divided by R times 1 minus E to the power minus T divided by tau. Aur iska graph jo hoga, time T, current I. Graph is something like this. So after a very long time, current jo hai wo maximum ban jayegi. Okay, at infinity, current will become maximum. So this is important. Now I is equal to E divided by R times 1 minus E to the power minus T by tau. Remember L by R tau ke barabar. Yahan par R by L hai. तो R by L जो होगा वो 1 by tau होगा, tau का inverse, तो वही मैंने इसलिए यहां पर नीचे लिखा है. So tau exactly होता क्या है, ये time constant क्या है, वो हम अभी देख लेंगे थोड़ी देर में. So I is equal to E by R times 1 minus E to the power minus T divided by tau. So current जो है जिस circuit में inductor होगा या जिस branch में inductor होगा, उसमें current जो है वो इस equation के हिसाब से grow होगी. So abruptly grow नहीं होगी, abruptly maximum नहीं बन जाएगी, वो according to this equation जो है, वो according to this graph जो है, वो increase हो जाएगी. E divided by R times 1 minus E to the power minus T divided by tau. Now इसके कुछ special cases देख लेंगे. So I is equal to E divided by R times 1 minus E to the power minus T divided by tau, with tau equal to L divided by R. Tau equal to L divided by R. तो पहला special cases का देखते हैं. Special cases means different times. T equal to 0. T equal to 0 is time of closing the switch. Time of closing the switch. Okay, time of closing the switch. जब आपने स्विच को A की तरफ थ्रो कर दिया, तो उस टाइम करंट जो होगी, T जीरो के बराबर है, तो ये E to the power zero बन जाएगा. Anything to the power zero is one. So वो one minus one जो zero बन जाएगा, तो सब कुछ zero है. तो I is equal to zero. Okay, I is equal to zero. So, जब t इक्वल जीरो होगा, करंट जो इंडक्टर के थ्रू है वो जीरो के बराबर होगी.
जीरो के बराबर होगी। और ईएमएफ जो इंड्यूस इसमें होगा, ये लूप आपका है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो यही ई के बराबर होना चाहिए, ताकि टोटल ईएमएफ, ये क्लॉकवाइज है ये काउंटर क्लॉकवाइज है, एग्जैक्टली सेम है, तो दे विल बैलेंस आउट, तभी जाके करंट जो होगी वो जीरो के बराबर होगी। सो ईएमएफ इंड्यूस्ड जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द बैटरी दैट टाइम। सिंगल लूप सर्किट अगर है, मल्टी लूप अगर है तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी। सो सिंगल लूप सर्किट में ई इंड्यूस्ड जो है वो ई बैटरी के बराबर होना चाहिए, ताकि इसके थ्रू करंट जो है वो जीरो के बराबर होनी चाहिए होगी। तो आई जीरो के बराबर है, तो एट इक्वल जीरो करंट थ्रू द इंडक्टर इज जीरो। सो व्हाट आई विल से इज आई विल एक्सप्रेस इज दिस वे, दिस टाइम इंडक्टर बिहेव्स एज एन ओपन स्विच। ओके, इंडक्टर बिहेव्स एज एन ओपन स्विच, एज इफ यहां पर कुछ नहीं है, ब्रेक है। ओके, इट बिहेव्स एज एन ओपन स्विच। तो ये तो जीरो टाइम की बात हो गई। ओके, और ऑब्वियसली करंट जीरो होनी चाहिए थी, क्योंकि करंट एब्रप्टली इंक्रीज तो नहीं हो सकती है। करंट का एब्रप्टली इंक्रीज होने का मतलब होगा करंट इज इंक्रीजिंग एट एन इनफिनाइट रेट, एट एन इनफिनाइट, सो यू विल नीड अ सोर्स ऑफ एनर्जी जो इनफिनाइट रेट पे एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं, तो वैसा पॉसिबल नहीं है। तो करंट हैव टू बी जीरो एट टी इक्वल टू जीरो। ओके, दूसरा स्पेशल केस मैं लूंगा एट टी टेंडिंग टू इंफिनिटी, दैट मीन्स आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम of closing off switch, switch close करने के काफी time बाद, okay, काफी time बाद, at t tending to infinity, ये बन जाएगा I is equal to E divided by, by the way, at t equal to infinity, tending to infinity, we know कि current maximum बन चुकी होगी, because you are doing, giving it plenty of time, all the time in the universe, तो current increase होते होते आपने maximum पे पहुंच गई होगी। So E divided by R times 1 minus E to the power minus, अब T के बदले में infinity, अब this is E by R 1 minus 1 by E to the power infinity, anything to the power infinity is infinity, 1 by infinity is 0, तो वहां पर I जो है that is equal to E divided by R, this is the maximum current, okay, maximum current in the circuit, maximum current. So ye jo yahan par E by R hai, ye coefficient jo hai bracket ke bahar hai, that is the maximum current in the circuit, E divided by R. Okay, aur yahan par kya hoga, ab current jo maximum ban chuki hai, okay, current to maximum ban chuki hai, maximum banne ka matlab hoga ki uske baad ab ye constant hogi, okay, uske baad constant hogi, ab constant hogi to koi induced emf nahi hoga, और इसमें हमने देखा है कि इंडक्टर बिहेव्स लाइक ए कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर जब ये बिहेव करेगी तब ये लूप जो है उसमें खाली रेजिस्टेंस आर है, बैटरी का ईएमएफ ई है, तो करंट विल बी ई डिवाइडेड बाय आर, तो उस टाइम इंडक्टर जो है दैट बिहेव्स लाइक ए कनेक्टिंग वायर, इंडक्टर बिहेव्स लाइक ए connecting wire, okay, inductor behaves like a connecting wire, okay, so at equal zero, zero time ka matlab kya hai, time of closing the switch, t tending to infinity ka matlab hai after a long time of closing of switch, switch close karne ke baad kafi time ke baad, okay, t equal zero pe inductor behaves like an open switch, to inductor ke through koi current flow nahi kar rahi hai, कोई मल्टी लूप सर्किट होगा तो उसमें किसी और लूप में किसी और ब्रांच में करंट तो हो सकते हैं, लेकिन इंडक्टर के थ्रू करंट नहीं होगी, इंडक्टर बिहेव्स लाइक एन ओपन स्विच, और एट टी टेंडिंग टू इंफिनिटी इंडक्टर बिहेव्स एज ए कनेक्टिंग वायर, तो करंट जो है वो मैक्सिमम होगी ई डिवाइडेड बाय आर के बराबर, ई डिवाइडेड बाय आर के बराबर। ओके, अब बीच में एट टी इक्वल टू टाउ, रिमेंबर टाइम टाउ जो है वो भी टाइम है, इट हैज डाइमेंशंस ऑफ टाइम, सो एट टी इक्वल टू टाउ क्या होगा, ओके, यहां पर टाउ जो है उसकी इंपॉर्टेंस हमें पता चल जाएगी। सो ये दो फिलहाल स्पेशल केसेस, एट टी इक्वल जीरो इंडक्टर बिहेव्स लाइक एन ओपन स्विच, तो इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं कर लेगी, एट टी टेंडिंग टू इंफिनिटी यहां ये कनेक्टिंग वायर होगी, बिहेव करेगी एज ए कनेक्टिंग वायर, और करंट इसके थ्रू मैक्सिमम होगी ई डिवाइडेड बाय आर के बराबर। अब एट टी इक्वल टू टाउ, वो सबसे इंपॉर्टेंट केस हमारे लिए,
एट टी इक्वल टू टाउ, और रिमेंबर टाउ जो है वो एल डिवाइडेड बाय आर के बराबर है. करंट जो है दैट इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आर वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, वो बन जाएगा माइनस वन. वन माइनस ई टू द पावर माइनस वन मैं डायरेक्टली यहां पर लिखूंगा इज 0.63 टाइम्स ई डिवाइडेड बाय आर. रिमेंबर ई डिवाइडेड बाय आर इज द मैक्सिमम करंट. So at t equal to tau, current becomes 0.63 of its maximum current. Okay, in terms of percentage, agar aap kahenge, so at t equal to tau, current jo hai, I is 63% of the maximum current. Right? 63% of the maximum current. At t equal to tau, current grows to या फिर grows by 63% of its maximum value. 63% of its अब maximum value तो ये है graph में e divided by r, तो 63% ये 50% somewhere here 63% होगा, तो ये टाउ होगा यहां पर. ओके, और यहां पर करंट जो होगी दैट विल बी 0.63 ऑफ ई डिवाइडेड बाय आर, विच इज टू से 63% ऑफ ई डिवाइडेड बाय आर. ओके, ई डिवाइडेड बाय आर. अब टाउ जो होगा वो डिसाइड कर लेगा कि करंट कितना जल्दी ग्रो होगी इन दिस सर्किट. टाउ का वैल्यू डिसाइड कर लेगा कि करंट कितना जल्दी ग्रो होगी इन द सर्किट. टाउ का वैल्यू ज्यादा होगा That would mean कि ये ज्यादा टाइम लेगा करंट को इंक्रीज होने में टू 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू. ज्यादा टाइम लेगा करंट को ग्रो होने में, दैट मीन्स करंट जो है वो रिलेटिवली स्लोली ग्रो हो रही है. और अगर टाउ का वैल्यू कम हुआ तो कम ही टाइम में करंट विल ग्रो टू 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू. दैट वुड मीन कि करंट जो है वो ज्यादा रैपिडली ग्रो हो रही है. ओके, ज्यादा रैपिडली ग्रो हो रही है. तो यहां पर मैं ग्राफ में इसका कंपेरिजन जो होगा वो ज्यादा बेहतर रहेगा. T करंट I, सपोज A ग्राफ जो है दैट्स लाइक दिस, और दूसरा ग्राफ जो है दैट्स लाइक दिस. लेट्स सपोज सेम मैक्सिमम करंट जो है दोनों में सेम है. जस्ट फॉर कंपैरिजन मैक्सिमम करंट दोनों में सेम है, अदरवाइज जरूरी नहीं है. सो मैक्सिमम करंट जो है वो दोनों में सेम है, आई इक्वल ई डिवाइडेड बाय आर. मैक्सिमम करंट ये है 50% समवेयर हियर 63% समवेयर हियर. या ब्लैक और ब्लू ही यूज करते हैं. तो ब्लैक के लिए टाइम कॉन्स्टेंट जो है वो यहां पर है. This is here 0.63% of E divided by R. 0.63 of E divided by R. वही है 63% of E divided by R. और दूसरे वाले केस में tau जो है वो यहां पर है. ब्लू वाले केस में tau यहां पर है. आप देख लें फर्स्ट वाले ब्लैक वाले केस में करंट ज्यादा रैपिडली ग्रो कर रही है. करंट रैपिडली ग्रो कर रही है, tau का वैल्यू कम है. tau का वैल्यू कम है, दैट मीन्स ये कम ही टाइम ले रहा है. कम टाइम ले रहा है करंट को ग्रो होने में by 63% of maximum value. So current is growing rapidly. Tau ka value kam, current is growing more rapidly. Dusre case mein, blue wale case mein, aap dekh sakte hain ki current jo wo slowly grow ho rahi hai in comparison to black one. To usme time constant aap dekhen zyada hai. Time constant zyada hoga to ye zyada time lega current ko grow hone mein. Okay? To 63% of its maximum. Zyada time lega grow hone mein, that means current is slowly growing. So growth of current is kind of inversely related to time constant. Okay, inversely. Greater, yeah, see they may likhunga, growth of current is inversely related to time constant. ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट नहीं है. ये ऐसा नहीं है कि करंट ग्रोथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. नहीं,
क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, क्वालिटेटिव, जिससे आपको आइडिया मिल रहा है टाइम कॉन्स्टेंट कम होगा तो करंट ज्यादा रैपिडली ग्रो कर लेगी, टाइम कॉन्स्टेंट ज्यादा होगा और करंट जो है वो स्लोली ग्रो कर लेगी। और टाइम कॉन्स्टेंट किसके बराबर होता है, एल डिवाइडेड बाय आर के बराबर होता है। जितना सर्किट में रेजिस्टेंस ज्यादा होगी टाइम कॉन्स्टेंट कम होगा, टाइम कॉन्स्टेंट कम होगा, टाइम कॉन्स्टेंट कम होगा उतना करंट ज्यादा रैपिडली ग्रो कर लेगी। जितना रेजिस्टेंस सर्किट में कम होगी उतना टाइम कॉन्स्टेंट ज्यादा होगा, टाइम कॉन्स्टेंट ज्यादा होगा स्लो ग्रोथ होगी। इंडक्टेंस पे भी डिपेंड करता है, जितना इंडक्टर का वैल्यू ज्यादा होगा, इंडक्टेंस का वैल्यू ज्यादा होगा उतना टाइम कॉन्स्टेंट ज्यादा होगा और वो स्लोली ग्रो होगी। टाइम कॉन्स्टेंट ज्यादा मतलब स्लोली ग्रो होगी, और इंडक्टेंस का वैल्यू कम होगा तो टाइम कॉन्स्टेंट का वैल्यू कम होगा, टाइम कॉन्स्टेंट का वैल्यू कम होगा तो कम टाइम लेगी ग्रो होने में, दैट मींस ज्यादा रैपिड ग्रोथ होगी। सो टाइम कॉन्स्टेंट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और टाइम कॉन्स्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ज्यादा होगी टाइम कॉन्स्टेंट का वैल्यू कम होगा, टाइम कॉन्स्टेंट का वैल्यू कम होगा ब्लैक वाला तो करंट जो है ज्यादा रैपिडली ग्रो कर लेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ एल, एल का वैल्यू ज्यादा होगा टाइम कॉन्स्टेंट ज्यादा होगा, टाइम कॉन्स्टेंट ज्यादा होगा तो ज्यादा टाइम लेगा करंट को ग्रो होने में वो ब्लू वन। So directly proportional to L, inversely proportional to R. So time constant is related to the growth of, rate of growth of current. Time constant come, growth will be more rapid. Time constant zyada, growth will be slower. Okay, growth will be slower. So time constant is the time in which current grows by 63%, or grows to 63% of the maximum value. Of the maximum value E divided by R. तो ये तो करंट ग्रोथ के बारे में। सो करंट ग्रोथ में दो तीन स्पेशल केसेस, व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो इंडक्टर बिहेव्स लाइक एन ओपन स्विच, करंट इज जीरो थ्रू द इंडक्टर। व्हेन टी इज टेंडिंग टू इनफिनिटी इंडक्टर बिहेव्स लाइक ए कनेक्टिंग वायर, करंट मैक्सिमम बन चुकी होगी। एट टी इक्वल टू टाउ करंट हैज इंक्रीज टू या बाय 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। सो टाइम कॉन्स्टेंट विल डिसाइड कि करंट जो है वो कितना जल्दी ग्रो होगी या फिर कितना स्लोली ग्रो होगी। अब अगर हम स्विच को, स्विच ऑन था काफी सारे टाइम के लिए, अब स्विच को दूसरे साइड से शिफ्ट करते हैं, बी की तरफ शिफ्ट करते हैं, ओके, स्विच ऑफ कर लेते हैं, तो करंट एनर्जी सोर्स जो है, जो बैटरी थी वो अब कनेक्टेड नहीं रहेगी तो करंट ऑब्वियसली डिक्रीज होगी, लेकिन इंडक्टर जो है वो डिक्रीजिंग करंट को अपोज कर लेगा। दैट वुड सिंपली मीन कि करंट जो है वो एब्रप्टली जीरो नहीं बनेगी, इट विल टेक सम टाइम टू बिकम जीरो। So now current decay. Switch S thrown to B. So B की तरफ आप shift कर रहे हैं, तो circuit जो है वो simply ये बन जाएगा, okay, circuit ऐसा बन जाएगा। अब जब A की तरफ स्विच था तो लेट सपोज करंट जो है वो I जीरो के बराबर थी, ओके, और अगर आपने काफी टाइम के लिए A की तरफ रखा था तो वो करंट E डिवाइडेड बाय R के बराबर होगी। तो इस पर्टिकुलर केस में जब आप स्विच को थ्रो करते हैं टुवर्ड्स B, करंट जो सर्किट में थी वो थी E बाय R, जिसको मैं I जीरो कहूंगा। अब जहां पर जो होगा इस वाले पर्टिकुलर केस में E बाय R, तो मैं उसको I जीरो से रिप्रेजेंट अप कर लूंगा, ओके, मैं उसको I जीरो से रिप्रेजेंट कर लूंगा। So, अब करंट जो है वो डिके हो रही है और करंट की डायरेक्शन वही रहेगी क्लॉकवाइज, करंट जो है डिक्रीज हो रही है। अब करंट डिक्रीज हो, दिस इज रेजिस्टेंस आर, इंडक्टर एल, इंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ अब होगा सेम डायरेक्शन में, और इंड्यूस्ड ईएमएफ इज माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब हमें ध्यान रखना है कि माइनस साइन लेना है कि नहीं इक्वेशन में। किरचॉफ्स लूप रूल यूज करते हैं, यहां से जब आप यहां आएंगे यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो पोटेंशियल डिक्रीज होगा बाय आई आर, सो माइनस आई आर। यहां से यहां जब आएंगे आप तो यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, इन द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ मतलब ये लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है,
तो आप लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जा रहे हैं, दैट मीन्स पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग, सो चेंज जो होगा वो पॉजिटिव होगा. अब पॉजिटिव चेंज है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड जो आप लेंगे वो पॉजिटिव लेना पड़ेगा. तो डू वी टेक दिस माइनस साइन और नॉट, डू वी टेक दिस माइनस साइन और नॉट? आई गिव यू 5 seconds टू थिंक, ये माइनस साइन अब हम लेंगे कि नहीं लेंगे. मैं फिलहाल लिखूंगा खाली एल डी आई बाई डी टी. चले देखते हैं. रिमेंबर ये टर्म जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, हमें पॉजिटिव लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल हम जा रहे हैं तो पोटेंशियल चेंज पॉजिटिव है तो या अल्टीमेटली पॉजिटिव होना चाहिए. लेकिन ध्यान रखें देयर इज अ हिडन माइनस साइन, देयर इज अ हिडन माइनस साइन दिस टाइम. करंट जो है वो डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है? करंट डिक्रीज हो रही है. करंट अगर डिक्रीज हो रही है तो ये डी आई बाई डी टी नेगेटिव है क्योंकि करंट डिक्रीज हो रही है. और करंट अगर डिक्रीज हो रही है तो यहां पर अंदर माइनस साइन छुपा हुआ है तो हमें यहां पर माइनस साइन लेना पड़ेगा ताकि वो छुपा हुआ माइनस साइन जब बाहर आए तब ये प्लस बन जाए. तो ये टर्म पॉजिटिव बनने के लिए, पॉजिटिव लेने के लिए हमें यहां पर माइनस साइन लेना पड़ता है. क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि यहां अंदर माइनस साइन छुपा हुआ है, जब वो माइनस साइन बाहर आ जाएगा तब ये प्लस बन जाएगा. और वो माइनस साइन क्यों छुपा हुआ है? क्योंकि करंट जो वो डिक्रीज हो रही है. करंट अगर डिक्रीज हो रही है तो डी आई बी डी टी नेगेटिव है. ओके, अब और कुछ नहीं है सर्किट में, सो दिस थिंग इज इक्वल टू जीरो. अब आई री राइट दिस एज एल डी आई बाई डी टी, इसको दूसरे साइड से लेंगे तो पॉजिटिव बन गया, इज इक्वल माइनस आई आर. ओके, सो दिस इंप्लाइज डी आई बाई आई, आई को मैं नीचे ला रहा हूं, इज इक्वल टू माइनस आर, एल को मैं नीचे लूंगा और इस डी टी को ऊपर लेते हैं. ओके, फिर से इंटीग्रेट कर लेते हैं. Integration is with respect to time, so 0 to t. Zero time is the time of opening of the switch. जब आप स्विच को B की तरफ थ्रो करते हैं और उस टाइम करंट जो थी वो I zero के बराबर थी. ओके, और टाइम t पे करंट जो है वो t I के बराबर है. सो करंट इज डिक्रीजिंग फ्रॉम I zero to I इन अ टाइम फ्रॉम 0 टू t. अब ये फिर से लिन ऑफ I बन जाएगा इंटीग्रेशन विद लिमिट्स I zero to I. इज इक्वल माइनस आर बाय एल कॉमन बाहर निकालेंगे कॉन्स्टेंट है. इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज टी विद लिमिट जीरो टू टी. सो बन जाएगा लिन ऑफ आई के बदले में आई माइनस लिन ऑफ आई के बदले में आई जीरो इज इक्वल टू माइनस आर बाय एल इंटू टी के बदले में टी माइनस जीरो, वो बस टी ही रहेगा. नाउ दिस इज लिन ऑफ आई बाय आई जीरो. ओके, log of m minus log of n, log of m by n is equal to minus r by l into t. So this implies I is equal to I by I zero. I by I zero is equal to, लेने यहाँ से तो exponential बन जाएगा, minus r by l into tau t. So this implies I is equal to I zero e to the power minus r by l into t. ये है करंट डिक्रीज की रेट. आर बाय एल के बदले में फिर से आप 1 बाय टाउ लिख सकते हैं, वो फिर से टाइम कांस्टेंट है. ओके, फिर से टाइम कांस्टेंट. सो आई इज इक्वल टू आई जीरो ई टू द पावर माइनस आर बाय एल इनटू टी. आई इज इक्वल टू आई जीरो ई टू द पावर माइनस आर बाय एल इनटू टी. आई जीरो इज द करंट एट जीरो टाइम जब आप स्विच को दूसरे साइड से थ्रो करते हैं. ओके, दूसरे, सो उस टाइम जो करंट सर्किट में थी या करंट जो इंडक्टर में थी वही होगी और उसके बाद डिक्रीज होना, धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट कर लेगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन आई इज इक्वल आई जीरो ई टू द पावर माइनस आर बाय एल इनटू टी. चलिए मैं इसको रब कर लेता हूं और इस इक्वेशन को लिखता हूं ऊपर. So I is equal to I zero e to the power minus R by L into T, or I'll write it this way, I is equal to I zero e to the power minus T divided by tau, with tau again equal to L divided by R.
okay, L divided by R. Okay, now स्विच ऑफ करने के टाइम शायद आर जो होगा वो डिफरेंट होगा, और डेफिनेटली डिफरेंट होगा, वो हम आगे देख लेंगे. टाउ इज इक्वल एल डिवाइडेड बाय आर. अब इसका ग्राफ जो होगा आई टी, जीरो टाइम पे करंट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू पे है, आई जीरो जो भी फिर वो होगा उस टाइम सर्किट में स्विच ऑफ करने के टाइम, और करंट जो है वो डिक्रीज होगी एक्सपोनेंशियली लाइक दिस. एंड आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम करंट जो है वो जीरो बन जाएगी. फिर से वही स्पेशल केसेस, एट टी इक्वल टू जीरो दैट इज टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ द स्विच. डे टू डे लाइफ में जब हम स्विच को ऑफ कर लेंगे, टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ द स्विच. तो इफ टी इज इक्वल टू जीरो, आई जो है वो हमने इससे पहले ही देखा है इज इक्वल आई जीरो. टी जीरो के बराबर तो ये सारा जीरो बन जाएगा, ई टू द पावर जीरो इज वन, तो आई जीरो. एट टी टेंडिंग टू इंफिनिटी, अब ये बन जाएगा ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी. ओके, ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी वो जीरो बन जाएगा. इससे पहले हमने देख लिया ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी इज वन बाई ई टू द पावर इंफिनिटी इज वन बाई इंफिनिटी इज इक्वल टू जीरो. तो सारा जीरो बन गया, तो करंट इज इक्वल टू जीरो. सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ द स्विच करंट जो है वो जीरो के बराबर बन जाएगी. ओके, अब ये एट टी इक्वल टू टाउ जो है, एट टी इक्वल टू टाउ वो हम देख लेते हैं. तो ये दो स्पेशल केस, एट टी इक्वल टू जीरो करंट इज द मैक्सिमम वैल्यू, एट टी इक्वल टू इंफिनिटी करंट इज जीरो. At t equal to tau, now this is important, which is L divided by R. T equal tau, to e to the power minus 1 ban jayega. So this would mean I is equal to I0 e to the power minus 1, which is 0.37 times I0. So current jo abhi bachi hui hai circuit mein, I is the current jo abhi bachi, remember current decrease ho rahi hai, aur ultimately 0 ban jayegi. करंट आई इज द करंट जो स्टिल इस सर्किट में है, इस लूप में जो अभी भी करंट है. ओके, अभी भी जो करंट है. सो कितनी करंट अभी बची हुई है सर्किट में, 0.37 ऑफ आई जीरो. ओके, 0.37 ऑफ आई जीरो, 0.37 ऑफ आई जीरो समवेयर हियर. तो ये टाउ है यहां पर, दिस इज 0.37 ऑफ आई जीरो. So, इतनी करंट अभी बची हुई है, तो कितना डिक्रीज हुई है, बची हुई है 37, डिक्रीज जो हुई है वो 0.63% से डिक्रीज हुआ है, 37% अभी बचा हुआ है. सो मैं यहां पर लिखूंगा करंट डिकेज टू, करंट डिकेज टू. ओके, करंट डिके हो रही है और अब कहां पर है, करंट डिकेज टू 37% ऑफ आई जीरो, 37% ऑफ द इनिशियल करंट. ओके, या करंट डिकेज बाय, कितना डिक्रीज हो गई है, एक तो वह कितना वहां पर अब बची हुई है, तो अभी बची हुई है 0.37, ये बचा हुआ है. डिक्रीज कितना हुआ है, वो यहां से यहां डिक्रीज हुआ है. 37% अगर बचा हुआ है तो 63% डिक्रीज हुआ है. सो करंट डिकेज बाय 63% ऑफ द मैक्सिमम करंट, इनिशियल करंट. तो करंट ग्रोथ में, इट करंट ग्रोथ में 63% ऑफ आई जीरो से ग्रो हुई थी, 63% ऑफ मैक्सिमम करंट से ग्रो हुई थी, यहां पर 63% ऑफ आई जीरो से डिके हुई है और बची हुई है 37% ऑफ आई जीरो. ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये डिस्टिंग्विश करना इंपॉर्टेंट है. तो डेफिनेशन जो टाउ की है वो वहां पर भी वही है, यहां पर भी वही है. वहां पर है कि करंट ग्रोज बाय 63% ऑफ मैक्सिमम करंट, यहां पर करंट डिकेज बाय 63% ऑफ मैक्सिमम करंट, विच मींस करंट डिकेज टू 37% ऑफ मैक्सिमम करंट. लेकिन आर का वैल्यू अगर डिफरेंट होगा, जो डेफिनेटली होगा सर्किट्स में, तो टाउ का वैल्यू ग्रोथ के टाइम और डिके के टाइम डिफरेंट होगा. अब जरा उसकी बात कर लेते हैं. अब प्रैक्टिकली हमारे पास जो सर्किट्स होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं, वहां पर हमारे पास स्विच नहीं होता है जो आप बी की तरफ थ्रो कर लेते हैं.
अब अगर कोई प्रैक्टिकली जो हमारे पास सर्किट होता है वो हम लेंगे, ये रेजिस्टेंस आर, ये इंडक्टर, इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल, रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर आर, ये स्विच, बैटरी ऑफ ईएमएफ ई। जब आप स्विच को ऑन करते हैं तो फाइन करंट ग्रोज अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, आई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आर टाइम्स वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय टाउ। ओके, और आपने काफी टाइम तक करंट स्विच ऑन रखा तो करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पे बन गई है। अब लेकिन जब आप स्विच को ऑफ कर लेते हैं तो सर्किट ओपन बन गया। अब इसकी तरह नहीं है कि स्विच को आपने बी की तरफ थ्रो किया, क्योंकि प्रैक्टिकली ये चीज आपके पास, ये सिस्टम आपके पास नहीं होगा। ओके, तो स्विच को आप सिंपली ऑफ कर लेते हैं, स्विच को आप ओपन कर लेते हैं। जब आप स्विच को ओपन कर लेंगे व्हाट विल हैपन टू करंट, वी एक्सपेक्ट कि स्विच को आपने ओपन कर दिया, लूप अब नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, क्लोज लूप नहीं है, लूप जो है वो ब्रेक हो गया है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां फ्लो नहीं कर पाएंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन्स यहां फ्लो नहीं कर पाएंगे तो करंट शुड बिकम जीरो। लेकिन हमें पता है कि इंडक्टर करंट को एब्रप्टली जीरो नहीं बनने देता है। सो व्हाट हैपेंस देयर, व्हाट हैपेंस देयर, सो व्हाट हैपेंस इज, जब अगर आपने नोट किया होगा, कभी ध्यान दिया होगा, जब हम सर्किट्स में स्विच ऑफ कर लेते हैं, घर में स्विच ऑफ कर लेते हैं, स्पेशली जो हैवी चीज होगी उसका स्विच ऑफ ऑफ कर लेंगे, कोई गीजर है ऐसा कुछ, जब आप स्विच ऑफ करते हैं तो हाँ, वी हियर सम साउंड ऑफ स्पार्क, हम एक स्पार्क का साउंड सुन लेते हैं। वो स्पार्क का साउंड जो है वो होता क्या है, यहां पर स्विच में ये एंड और ये एंड के बीच में जो एयर है, पोटेंशियल डिफरेंस इतना डेवलप होता है कि वो एयर जो है वो कंडक्टिंग बन जाता है, वो एयर जो है वो आयनाइज होता है। ओके, और यहां से फिर करंट फ्लो करती है। सो वो स्पार्क जो होती है वो वहां पर करंट फ्लो हो रही है। सो करंट इज स्टिल फ्लोइंग, क्यों फ्लो हो रही है, बिकॉज ऑफ दिस इंडक्टर, क्योंकि इंडक्टर करंट को एब्रप्टली जीरो बनने नहीं देता है। और जब आप स्विच को, स्विच के इस एंड को दूर ले रहे हैं फ्रॉम दिस कंडक्टर, तो ये गैप बढ़ जाती है। ओके, ये गैप जो है वो बढ़ जाते हैं, जब ये गैप बढ़ जाती है तो इनके बीच में जो हवा का कॉलम है वो बढ़ जाता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और रेजिस्टेंस ऑफ एयर इज ह्यूज, एयर इज नॉर्मली एन इंसुलेटर, तो रेजिस्टेंस ऑफ एयर इज ह्यूज। तो जब आप स्विच को ऑफ कर लेते हैं तो बीच में हवा के वजह से रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा बन जाती है, इट बिकम्स ह्यूज, और करंट आर अगर ह्यूज बन, इसलिए मैंने कहा था कि आर जो वो सेम नहीं रहता, आर अगर ह्यूज बन गया तो टाइम कॉन्स्टेंट जो है वो काफी स्मॉल बन जाएगा, टाइम कॉन्स्टेंट बिकम्स वेरी स्मॉल, और टाइम कॉन्स्टेंट काफी स्मॉल बनने का मतलब होगा करंट जो वो काफी रैपिडली डिक्रीज होगी। ओके, काफी रैपिडली डिक्रीज होगी, दैट्स व्हाई व्हाट वी एक्सपीरियंस, जब आप स्विच को ऑफ करते हैं तो हम थोड़ी सी स्पार्क का साउंड सुनते हैं, बस खत्म। ऐसा नहीं है कि वो स्पार्क फिर कंटिन्यू रहती है लाइटनिंग की तरह, नहीं, वो थोड़ी सी स्पार्क होती है, सावास बन गई, बस इमीडिएटली खत्म होती है, क्योंकि आर जो बीच में है, हवा का हवा की रेजिस्टेंस जो बीच में है, जब आप स्विच को दूर लेते हैं तो वो रेजिस्टेंस काफी ह्यूज बन जाती है और टाउ का वैल्यू काफी स्मॉल बन जाता है। रिमेंबर टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, टाउ का वैल्यू काफी स्मॉल बन जाता है और करंट जो वो काफी रैपिडली डिक्रीज होती है उसके वजह से। अब मसला है, अगर कोई सर्किट ऐसा है जिसमें काफी हैवी इंडक्टर लगा हुआ है, ओके, काफी, इसको हम बैक ईएमएफ कभी कभी कहते हैं, काफी हैवी इंडक्टर अगर लगा हुआ है तो यहां पर काफी ज्यादा करंट फ्लो हो सकती है। आर्क जो है वो लाइटनिंग काइंड ऑफ जो है, स्पार्क जो बनती है वो ह्यूज हो सकती है, एंड दैट मे टर्न डेंजरस। आप स्विच ऑफ करते हैं तो वो स्पार्क जो उड़ती है वो आपको भी लग सकती है, तो यू विल फील दैट करंट। ओके, और खुदा न खास्ता वो करंट जो है वो स्पार्क जो होती है वो आग भी लग जा सकती है वहां पर, अगर बहुत ज्यादा ह्यूज इंडक्टर हो तो बहुत ह्यूज स्पार्क, या विच कैन बी डेंजरस। सो वैसे केसेस में क्या किया जाता है, जिन केसेस में हैवी इंडक्टर होता है, ओके, हैवी इंडक्टर होता है, उन केसेस में यहां पर एक और रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल में लगाई जाती है, आर प्राइम में से कहूंगा, एंड आर प्राइम इज थाउजेंड्स ऑफ ओम्स, मे बी 10,000 ohms, ओके, थाउजेंड्स ऑफ ओम्स। तो उससे क्या फायदा होता है, जब आप स्विच को क्लोज करते हैं, ओके, जब आप स्विच को क्लोज करते हैं और यहां से जब करंट फ्लो करती है, अब ये रेजिस्टेंस जो वो ह्यूज है, काफी ज्यादा है, तो वो करंट जो है वो कह रही है, ओके, लेट मी नॉट गो थ्रू दिस पाथ, आई विल गो थ्रू दिस पाथ।
तो सारी करंट जो है वो यहां से फ्लो करती है, मीगर अमाउंट में भी काफी स्मॉल करंट, काफी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द करंट विल फ्लो थ्रू दिस रेजिस्टेंस, काफी स्मॉल, प्रैक्टिकली उसका कोई मेन सर्किट पे कोई असर ही नहीं पड़ेगा। सो हमारा मेन सर्किट जो है दैट रिमेन्स अनइफेक्टेड बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस रेजिस्टेंस, क्योंकि इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं कर लेगी, अप्रोक्सीमेटली जीरो करंट फ्लो कर लेगी। सो जो भी करंट होगी वो यहां से फ्लो कर लेगी, तो आपका सर्किट जैसे था वैसे ही है। अब जब आप स्विच को ऑफ कर लेते हैं, स्विच को ऑफ कर लेते हैं, अब ये रेजिस्टेंस तो ह्यूज है लेकिन एयर के कंपैरिजन में तो भी तब भी काफी कम है। ओके, एयर के कंपैरिजन में तब भी काफी कम है। तो व्हाट विल हैपन इज कि अब करंट जो फ्लो कर रही है, करंट स्विच ऑफ करने के टाइम जो करंट फ्लो कर रही थी वो अब यहां से फ्लो नहीं कर लेगी, क्योंकि यहां पर जो लाइटनिंग हुई थी, जहां पर जो स्पार्क प्रोड्यूस हुई थी, वो तो इसलिए प्रोड्यूस हुई थी क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो करंट के लिए यही एक लूप बन रहा था। लेकिन अब यहां पर और एक लूप बन रहा है और ये रेजिस्टेंस हवा के रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में काफी कम है, सो करंट विल प्रेफर टू फ्लो हियर। तो वो जो करंट डिक्रीज हो रही है वो यहां इस लूप में डिक्रीज होगी, तो स्विच ऑफ करने के टाइम आप कोई स्पार्क जो है वो नहीं देखेंगे। ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ ए सेफ्टी मेजर देयर जो हम रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हैं टू दिस इंडक्टर। और ये आमतौर पे हाउस होल्ड सर्किट्स में तो नहीं होगा, क्योंकि हाउस होल्ड सर्किट्स में हमारा एल जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन जहां पर एल का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, जहां पर काफी हैवी इंडक्टर्स लगे हुए होंगे, वहां पर ये सेफ्टी मेजर ये रेजिस्टेंस लगानी पड़ती है। ओके, सो करंट ग्रोथ और करंट डिके आपका हो गया। चलिए इस सेशन को यहीं पर खत्म कर लेते हैं। विल नाउ बिगिन विद द न्यू सेशन।